भाई साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज प्लीज जवाब दीजिए। मिथुन, अमृता को यही होना चाहिए। यही होना चाहिए था मतलब? वो तो आपके साथ, हम साथ ही गए थे, हम लौटने वाले भी साथ में ही थे, लेकिन अमृता को कुलदेवता की पूजा करनी थी इसलिए वो शाम तक अपनी ससुराल यानी यहाँ लौट आएंगी। ये आप क्या कह रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समधन जी, दरअसल हम आज सुबह ही लौटे हैं और अमृता पूजा करके शाम को लौटने वाली थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम उनकी तबीयत के बारे में पूछने चले आए। अभी तक तो अमृता को यहाँ आ जाना चाहिए था, वो आई क्यों नहीं? बहू, अगर बहन जी कह रही हैं कि वो आ जाएंगी तो हमें इंतजार करना चाहिए। शाम होने में एक घंटा बाकी है, एक घंटा बाकी है, तब तक वो आ जाएंगी ना बुआ साहब? एक घंटे में वापस आ जाएगी। एक घंटे में वापस आ जाएगी, ठीक है, हम एक घंटा और इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं आपकी बेटी की जबान पक्की है या नहीं। नहीं, अगर अमृता ने कहा तो वो जरूर आएगी। आपको अमृता पर इतना यकीन है? जी हाँ, अमृता पर भी यकीन है और अपने प्यार पर भी, और अपने प्यार पर। ठीक, अगर अमृता घर आ गई तो हमें बहुत खुशी होगी, और अगर वो नहीं है तो आपको वही करना होगा जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। क्या करना होगा वो जानकर आप क्या करेंगे? आपको तो पूरा यकीन है अमृता आ जाएंगी, आ जाएंगी। हमें यकीन है कि अमृता जरूर आएगी, और हमें हमें शर्त भी मंजूर है, आपकी शर्त भी मंजूर है। हमारे पास सिर्फ एक घंटा है, हमें अर्जुन के विश्वास को टूटने से बचाना होगा, हमें एक घंटे में अपने असली रूप में आना होगा। उसे तो इस घर में कोई जानता भी नहीं है। हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ना होगा। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि ये इच्छाधारी नागिन हमें इसी घर में मिल गई। अब हम ऐसा जाल बनेंगे कि उस नागिन को पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे वो हमारे जाल में फंस गई। एक बार वो नागिन हमारे कब्जे में आ जाए, फिर
हम नागमणि भी हासिल कर लेंगे। नागमणि हासिल करने के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए तेरा खेल खत्म कर देंगे नागिन। अपनी बेटी की झोली में उसकी खुशियां डाल दीजिए माँ, हमें अपने असली रूप पाने की शक्तियां लौटा दीजिए माँ। क्यों अमृता, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, हमसे दया की भीख क्यों मांग रही हैं? अर्जुन के लिए उनका भरोसा जो हम पर है उसे टूटने से बचा लीजिए माँ, उन्हें पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा होने से बचा लीजिए माँ, हम पर एहसान समझकर हमारी मदद कर दीजिए माँ। कैसे करें उस बेटी की मदद, बोलिए अमृता, कैसे करें उस बेटी की मदद जो हमें और नागलोक को धोखा दे रही है? क्यों करें उस बेटी की मदद जो हमारी और नागलोक की जिम्मेदारी से बढ़कर किसी इंसान से प्यार करती है? अमृता, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और ना ही उम्मीद करना कि हम तुम्हारी कोई मदद करेंगे। हाँ, हम तुम्हें एक राय देते हैं कि आप वो इंसानी दुनिया को भूलकर वापस नागलोक आ जाइए, तोड़ दीजिए सारे रिश्ते, भूल जाइए सारे संबंधों को और हमेशा हमेशा के लिए वापस नागलोक आ जाइए। वापस आ जाओ बेटी। हमें यकीन कि अमृता जरूर है और हमें शर्तें मंजूर है। हमारा टेंडर पास हो गया है और ये खुशखबरी हम अमृता को देना चाहते हैं। काश वो हमारे साथ होती। बहुत मुश्किल है अमृता, आपके बिना जीना। क्या आपको हमारी बिल्कुल याद नहीं आती? हमारी आंखें तो आपको देखने के लिए तरस गई है। नहीं अर्जुन, नहीं, नहीं, हम आपके भरोसे को नहीं टूटने देंगे, चाहे आज हमारी सांसों की डोरी क्यों ना टूट जाए, हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे अर्जुन, नहीं। ओम वज्र श्रृंखले हनतु भक्षतु खादतु अहो। वासुकी नाग आज हम उस नागिन को वासुकी वनपाश में बांधने आए। एक बार वो पाश तैयार हो जाए फिर आधे घंटे में वो नागिन इस तस्वीर के जरिए उस तस्वीर में कैद हो जाएगी और इस मंत्र नाग को छूते ही हमेशा हमेशा के लिए नागिन बन जाएगी और फिर हम सिर्फ हम उसे मणि की सहायता से फिर से इंसान बना पाएंगे। वाह रुद्रा वाह, क्या दिमाग पाया है, क्या दिमाग पाया है। वासुकी वनपाश में फंसने के बाद उसे इंसान बनने के लिए खुद हमें ही मणि देनी होगी। के बाद मणि हमारे हाथों में होगी। एक घंटा पूरा होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं बुआसा। जानते हैं बेटा, आपको यकीन है कि अमृता आएगी? आपको यकीन नहीं बेटा। यकीन तो है,
लेकिन गुजरते हुए वक्त और चलते हुए इन घड़ी के कांटों के साथ न जाने क्यों हमारा विश्वास टकमगा रहा है। बेटा, अपने प्यार और भगवान पर भरोसा रखिए। अमृता आएंगी और जरूर आएंगी। कुछ ही समय बचा है, हम अपने असली रूप में कैसे आए? हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। आज आपका ही आसरा है। अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की तो इंसानी दुनिया में रहने का और अर्जुन के साथ जिंदगी बिताने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आपको हमारी मदद करनी ही होगी। भगवान, यदि आप हैं तो अपने अस्तित्व को साबित कीजिए। छोड़िए स्वर्ग को और हमारी मदद के लिए धरती पर आइए। लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। चलो उनकी मदद करते हैं। चलो चलो चलो। हे साइना, हमारी मदद कीजिए। मदद मदद कीजिए। ये तो हमारी महारानी है। अरे, इनके बहुत एहसान है हम पर, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। महारानी, 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 आप परेशान ना हो, हम हैं। आपको जो चिंता है हमें बताइए। हमें अपने असली रूप में आना है, हमारी मदद कीजिए। हम देंगे आपको आपका असली रूप अपनी शक्ति से। महारानी, भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। आपका सभी ने हमारी मदद की, और वो भी ऐसे वक्त में जब हम सारी उम्मीदें खो चुके थे। लेकिन हमें माफ कीजिए, हमें इसी वक्त जाना होगा क्योंकि हमें 10 मिनट में कहीं पहुंचना है। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। हमारे 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 आ जाइए। आज इम्तिहान है हमारे प्यार और विश्वास का। अब तुझे रुद्र की कैद से कोई नहीं बचा सकता। रुद्र की शक्तियां अपार है। साइना पर भरोसा रखिए, आ जाएगी वो। हम जानते हैं अमृता नहीं आएगी, और आज देवर सा की आंखें खुल जाएंगी, और आज सबको अमृता की असलियत का पता चल जाएगा। कहां आकर फंस गए? क्या हो रहा है हमारे साथ?
आकाश में। हम जानते थे कि एक ना एक दिन तू हमारे कब्जे में जरूर आएगी। आज वो शुभ दिन आ गया है। अब हम तुमसे मणि हासिल करेंगे और तुम्हें हमेशा के लिए नागिन बना देंगे, ताकि उसके बाद हमारे परिवार को तुमसे कभी भी कोई भी खतरा ना हो। आज तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। क्या हो रहा है हमारे साथ? ये हम कहां आकर फंस गए? कैसा कैद है? बस कुछ कुछ पल और बाकी, उसके बाद हमारे वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा। ये आग कैसे लगी? ये हमने क्या कर दिया? बस 5 मिनट और, हमें यकीन है कि अमृता जरूर आएगी। हाँ बेटा, वो जरूर आएंगी। वो कहीं ना कहीं फंस गई होंगी। ठीक है, जहां इतना इंतजार किया है, 5 मिनट और सही। Thank you.